ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाहियों की 60,244 पदों के लिए लिखित परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। इस बार परीक्षा 5 चरणों में आयोजित की जाएगी। और खास बात यह है कि सिपाही भर्ती री एग्जाम नए एंटी पेपर लीक कानून के तहत आयोजित की जाएगी। यानी कि अगर परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग पेपर लीक कराने वालों, सॉल्वर, पेपर लीक की साजिश करने वालों के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या फिर उम्र कैद या दोनों की ही सजा का प्रावधान है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का को रद्द किया गया था, जिसके बाद काफी समय से अभ्यर्थियों को परीक्षा की तारीखों का बेसब्री से इंतजार था। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर कुल 60,244 पदों पर सीधी भर्तियां होनी। इन भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों में यह भी कहा गया कि अगर कोई परीक्षा के दौरान चीटिंग करते हुए पाया जाता है तो नए अधिनियम के तहत ही उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने अपने नोटिस में शासन के हालिया उस अधिनियम का जिक्र कर दिया जिसमें परीक्षाओं में नकल रोकने का प्रावधान किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों जैसे कि प्रश्न पत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6/2024 को 1 जुलाई से लागू किया है। अधिनियम में प्रावधान यह किया गया कि अगर किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रकरण पत्र प्रश्न पत्र का प्राधिकरण करना या प्रकट करना का षड्यंत्र शामिल होता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरण में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा दोनों हो सकती है। डीजी पुलिस भर्ती राजीव कृष्णा ने बताया कि नए कानून के तहत अब सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। नए कानून में पेपर लीक कराने वालों, सॉल्वर, पेपर लीक की साजिश करने वालों को उम्र कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार उनकी प्राथमिकता है कि निजी स्कूलों, कॉलेजों में परीक्षा आयोजित न हो। पूरी कोशिश होगी कि सिर्फ सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में परीक्षा सेंटर रखे जाएं। तारीख नई क्या है, क्या नया होगा इस बार की परीक्षा में, बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा। सर, क्या नया होगा इस बार और नई तिथि क्या है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो परीक्षा हो रही है इसकी तिथियां 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 अगस्त और 31 अगस्त 2 वीकेंड्स हैं और 23 अगस्त को फ्राइडे है। इन तिथियों को निर्धारित किया गया है और जो इस बीच में शासन के द्वारा काफी मंथन के बाद, सभी से विचार विमर्श के बाद एक शासनादेश निकाला गया था जिसमें परीक्षा केंद्रों के चयन से लेकर उसके संचालन की सभी आयामों को इंक्लूड किया गया है। इस प्रकार से परीक्षा को पूर्ण रूप से शुचितापूर्ण करने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से परीक्षा हो उसके लिए इस शासनादेश में सभी प्रावधान हैं। ये परीक्षा उसी शासनादेश के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है। साथ ही 1 जुलाई को शासन के द्वारा एक अध्यादेश भी जारी किया गया जिसमें परीक्षा में नकल, परीक्षा के लीक करने के मामले या इससे संबंधित सभी अपराध, इम्पर्सनेशन का हो या इससे जुड़े हुए लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल हों, तो इन सभी के ऊपर, इन सभी को एक कानूनी दायरे में लाया गया है और इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा या दोनों का प्रावधान रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत शुद्धितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के क्रम में यह कार्यक्रम घोषित किया है। बता दें कि इस बार 5 चरणों यानी कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी और हर दिन परीक्षा 2 पालियों में होगी जिसमें माना जा रहा है कि 1 पाली में करीब
5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, यानी कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक दिन में 10 लाख और 5 दिन चलने वाली परीक्षा में 50 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इस आंकड़े पर आप गौर करेंगे तो समझ जाएंगे कि मात्र 60,000 पदों के लिए आवेदकों की संख्या कितनी ज्यादा है और यह बेरोजगारी की स्थिति को भी दर्शाने के लिए काफी है। खैर, इस बार खास बात यह है कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यूपी रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा करने को मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, बस उन्हें अपना एडमिट कार्ड जो है उसकी फोटोकॉपी कंडक्टर को देनी होगी और वो फ्री में यात्रा कर पाएंगे। वैसे आपको ये याद होगा कि इसी साल फरवरी के महीने में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन जैसे ही परीक्षा को लेकर पेपर लीक की बातें सामने आईं, खूब हो हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा और परीक्षा रद्द करने की मांग कर डाली थी। इसके बाद कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न केवल परीक्षा को रद्द कर दिया था बल्कि पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी थी। इसके साथ ही 6 महीने के भीतर ही री एग्जाम करने के आदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर दिए गए थे। वैसे यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी यूपीएसटीएफ रवि अत्री समेत 18 आरोपियों के खिलाफ घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा का रहने वाला रवि अत्री पेपर लीक का माहिर खिलाड़ी है और रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा जो है उसने ही मिलकर उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया था। यूपीएसटीएफ ने बीती 10 अप्रैल को रवि अत्री को मेरठ से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सबसे बड़ी बात यह भी है कि एनटीए के द्वारा आयोजित नीट की परीक्षा गड़बड़ी मामले में भी इसका कनेक्शन सामने आ चुका है, लेकिन अब उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए जो पैसों की खातिर अभ्यर्थियों के सालों की मेहनत तैयारी पर पेपर लीक के जरिए पानी फेरने का काम करते हैं, लेकिन अब उनकी खैर नहीं है।